चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश से कौन सी खास खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों सब जगह कावड़ दिखाई दे रहे हैं और कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। शिवनी मालवा बोले बम के जयकारे के साथ मां नर्मदा तट आंवली घाट से कावड़ यात्रा निकाली गई है, जो कि भोलेनाथ के तीर्थ स्थल पर जाकर समाप्त होगी। श्रावण मास के पावन पर्व पर पूरे देश में भगवान शंकर के भक्तों द्वारा जगह जगह कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में होशंगाबाद जिले के शिवनी मालवा तहसील में भी कावड़ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि अलग अलग जगह से होती हुई दो दिवसीय कावड़ यात्रा में ढोल नगाड़े के साथ कावड़ियों ने माँ नर्मदा का जल भरकर कावड़ यात्रा शुरू की, जो कि 5 अगस्त यानी नागपंचमी के दिन तिलक सिंदूर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए इसी के बारे में जानकारी दी है स्थानीय निवासी रामेश्वर जाट ने। यात्रा के बारे में बताएं। ये कावड़ यात्रा पुराने 9 साल से बीते हुए 9 साल से चल रही है और ये 9वां वर्ष में आज कावड़ यात्रा है जो प्रस्थान करने को जा रही है, जो आंवली घाट से होते हुए तिलक सेंदूर रात्रि विश्राम इसका बगवाड़े में है। बगवाड़े में सभी लोगों का कावड़ यात्रियों का भोजन व्यवस्था है शाम की, और उसके बाद वहीं स्कूल में रुकने की व्यवस्था है। वहां से सवेरे प्रस्थान अपने तिलक सेंदूर के लिए।